2022 के पीवाईक्यू से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन मार्क क्वेश्चन। ओके, आप लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे, सो जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, लेट मी नो आंसर्स। द मूवी वॉज फनी एंड आई इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आई सपोज 1 मिनट से ज्यादा तो आपको नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट तो क्या, 30 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए। सो जस्ट रन। हाँ सर, डी सी ऑप्शन। वाला सर होगा, डी सी। ऑप्शन। कोई बोल रहा है बी और कोई बोल रहा है सी, ऐसा सर डी डी डी। ओके, डी एंड सी। एनीवन एल्स फॉर ए एंड बी? सर सी सर ऑप्शन सी। सी ऑप्शन है। अगर इसका हिंदी में समझने की कोशिश करो बेसिकली, तो द मूवी वॉज फनी मतलब मूवी फनी थी और मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। सो जब नहीं रोक नहीं पाई खुद को, उसका मतलब यू कांट हेल्प यू कुडंट हेल्प योर सेल्फ, राइट? सो यहाँ पे ये है। अब ये इंग्लिश की चीज़ें हैं, देखो मैं ये कैसे समझाऊँ खैर, बट हाँ, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, इसका आंसर है जस्ट बिकॉज बिकॉज आप नहीं रोक पाए। पास्ट की बात हो रही पहली बात, तो कुड यूज होगा, एंड कुड नॉट, नॉट क्यों है क्योंकि आप खुद को नहीं रोक पाए, नहीं आ रहा है इसलिए वो नॉट वाला भी आएगा, ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट कीजिए, 2 मिनट भी ज्यादा है बट करिए। हाँ, 1.25 1.25। एनीबडी एल्स? बीस है 1.25। 1.25 सी, ठीक है, करना कुछ नहीं है, उठा के सीधी यही की यही वैल्यू एक्स वाई जेड में यहाँ पे रख देना है, ठीक है? तो 1/2 + 1/4 - 1/3 / 1/3 ऊपर करोगे, एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा, तो 6 + 3 - 4 / 1/3 है, 6 + 3 - 4 = 5/12 / 1/3, तो 5/12 × 3/1, 3 4s are 12, तो 5/4 बेसिकली इज 1.25। किसी को डाउट है इसमें? सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कराया हुआ काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है?
ट्राई दिस वन। ऑप्शन सी 3 होगा आंसर। सी ठीक है। एनीबडी एल्स? सी 3 सी ठीक है। कैसे किया है कोई बता सकता है? नॉट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, आप बस बता दीजिए कैसे किया। आपका अप्रोच है वो जाननी है। सर 3 + x / 4 + x = 15 - x / 17 - x सर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आया है x का वैल्यू 3 आया है। ठीक है। देखो जब वैल्यू छोटी होती है ना तो एक ऑप्शन होता है कि ये जो ऑप्शंस इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो जैसे आपका 3/4 था राइट, और 15/17 था। सो 3/4 में अगर आप बोला कि एक एक से इंक्रीज करना है और एक एक से डिक्रीज करना है, तो ये क्या होगा, 4/5 ये हो जाएगा 14/16, ये इक्वल नहीं होगा, देख के पता चलता है। सिमिलरली 2 करोगे तो हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 15 - 13/15। अगेन सेम नहीं होगा, 3 रख के करोगे तो 3 + 3 = 6/7, यहाँ 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 12/14, इसको करोगे तो 6/7 आ जाएगा। जितना आपको कैलकुलेशन में यहाँ टाइम लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर वगैरह करने, उतने में तो यहाँ पे आप कर लोगे। अगर वैल्यूज छोटी होती हैं तो, बड़ी होंगी तो ऑब्वियसली दिस इज द अप्रोच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करना, नहीं हो रहा है उसके बाद अगर शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, जिसने सॉल्व किया मुझे बता सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? सर नहीं बन रहा सर, माइनस कैंसिल एक्स हो, स्क्वायर कट गया है। हाँ देन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक दो तरीके हैं। अगर कोई चाहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मैं सॉल्व करके बताऊं तो मैं वो भी बता सकता हूँ, वरना आप ट्राई कर सकते हो। यस क्या करके सर करके बताऊं या ट्राई कर लो? बता बता दो। दीजिए। 3 + x / 17 - x, और ये हो जाएगा 15 - x / 4 + x। 17 3 = 51, और -3x + 17x - x² वहाँ हो जाएगा 15 4 = 60, और -4x, हाँ ठीक है, +15x - x², ये -x² से -x² कैंसिल आउट हो जाएगा। 51 - प्लस का 14x हो जाएगा, यहाँ 60, और +11x हो जाएगा, कहाँ आइए ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 3x, ये वहां जाएगा तो बचेगा 9, नहीं x = 9/3, सो x = 3। अभी क्लियर है? सर। ठीक है, अगर किसी को मेरी स्पीड से प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो। हाँ ऐसा कोई वो नहीं, मैं स्लो भी जा सकता हूँ, अल्टीमेटली आपके लिए ही नहीं होता सर, ये सही है। सही है ना? यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है राइट, सेट थ्योरी मैंने कवर नहीं करी है, सो आई विल सजेस्ट कि सेट थ्योरी में एक बार एक्सप्लेन करूंगा मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर, तब मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा। ओके
ठीक है ना। अगर कोई खुद से ट्राई करना चाहता है आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट मैं सेट थ्योरी जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे एज सच कोई वो नहीं है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तीन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वेन डायग्राम बना के आप कर सकते हो, बट इट जस्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो जस्ट फॉर नाउ मैं स्किप कर रहा हूँ, कल या परसों में जब भी मिसलेनियस टॉपिक का क्लास होगा या मैं जो भी सेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके सर, नाउ ये करिए, ये बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा वैसे तेज बोलिएगा है ना, मतलब ऑप्शन ऑप्शन ए ये सर ऑप्शन। सिंपल है, विजिबल है, कोई हाँ वो नहीं है। यहाँ पे ये दोनों आपके कलर हो जाएंगे और ये यहाँ से इसके साथ वाला कलर होगा है ना, इट्स क्वाइट सिंपल राइट। जी सर। ठीक है इंग्लिश का क्वेश्चन है, रीड करिए बताइए। सर बी वाला ऑप्शन बी कौन सा वाला, बी जी ये ना जिसपे मैंने अभी टिक किया यहाँ पे स्पॉट किया। जी ठीक है सर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। कैलका इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल न्यू शॉपिंग मॉल्स वर ओपन इन द सिटी, कुछ नए शॉपिंग मॉल्स ओपन किए सिटी में। द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन दिस मॉल्स इज इंप्रेसिव, मीन्स नंबर ऑफ विजिटर्स जो आपके मॉल को विजिट कर रहे हैं जो फुटफॉल होता है वो बहुत अच्छा है। हाउएवर द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू सेल्स इन द शॉप्स इन दीज मॉल्स इज जनरली लो, आपके पास लोग आ रहे हैं बट आप रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द अबव पैसेज, क्या ऑप्शन है आपके पास। फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट स्पेंडिंग मोर, ये हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन द मॉल्स इज इम्प्रेसिव, मतलब लोग तो आ रहे हैं। सेकंड है मोर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स बट नॉट स्पेंडिंग इनफ, ये हो सकता है कि लोग आ रहे हैं पर देख के चले जा रहे हैं कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है, सो दिस कुड बी आंसर। देन मोर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स एंड स्पेंडिंग मोर, अगर स्पेंडिंग मोर होता तो रेवेन्यू भी ज़्यादा होता बट नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। देन फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग द मॉल्स एंड नॉट स्पेंडिंग इनफ, तो ये तो मतलब ये गलत है क्योंकि आपकी फर्स्ट लाइन तो आपको ऑलरेडी बोला गया कि पीपल आर विजिटिंग, मोर पीपल आर विजिटिंग, तो अगेन इसका फर्स्ट पार्ट वाले की वजह से ये वाला ऑप्शन आप कंसिडर नहीं करोगे, तो ओनली द ऑप्शन यू विल कंसिडर इज बी। इज इट क्लियर। क्लियर दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सिंपल क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पार्टनरशिप में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, पैसा और टाइम, उनका जो मल्टीप्लिकेशन का रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट, मतलब वो हम देखते हैं उस रेशियो में आपकी जो प्रॉफिट का पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। द अमाउंट यू गाइज मतलब एनी वन स्पेंडिंग, द पार्टनर्स आर स्पेंडिंग, सेकेंड उनका जो टाइम होता है वो जितने टाइम के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं।
हाँ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक कवर नहीं किया है ना। आपने फर्स्ट या सेकंड डे वही टॉपिक कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। सब करवा दिया है, यस सर। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, नो सर, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नहीं थे उसमें। ओके ठीक है, चलो तो साथ में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है ना, पार्टनरशिप बिजनेस मंथली इन्वेस्टमेंट बाय थ्री फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। तीन फ्रेंड्स हैं, ABC रखना, नाम जो रखना रख लो, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 3:4:5 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, जब टाइम बराबर है तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने ही उसमें आपका क्या बोलना चाहिए, सेम रेशियो में आपका टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन उसमें आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, आफ्टर 6 मंथ्स दे हैड टू इंक्रीज देयर मंथली इन्वेस्टमेंट बाय 10%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इनिशियल मंथली इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल मंथली इन्वेस्टमेंट कितना था, 3:4:5 के रेशियो में था। इनने कितना इंक्रीज किया, 10% 15% 20%। इसका 10% इंक्रीज किया मतलब 3 × 1.1 करेंगे, इसका 15% तो 4 × 1.15 करेंगे, इसका 5 × 1.2 करेंगे। ये 1.15, 1.2, 1.1 क्यों कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है? एनीवन? पर बता दीजिए। ओके, सो सी, अब जब परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं तो जैसे कि 3 में अगर आपने बोला 10% इंक्रीज करना, तो 3 का 10% बेसिकली कितना होता है, 0.3, राइट? 3 का 10% 0.3 होगा, तो इसमें अगर इंक्रीज करना, 3 + 0.3 इज बेसिकली 3.3। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज होता है ना, इसको लिखने का तरीका होता है 100% इज बेसिकली 1। ठीक है, तो 10% इज 10% इंक्रीज किया 0.1, तो ओवरऑल जो 10% इंक्रीज करने के पास मिलता वो क्या मिलता, 1.1। तो 100 ये था, इसमें आपने इसका 10% इंक्रीज किया तो 10% इज 0.1, तो 1 + 0.1 इज 1.1। इसी तरीके से अगर 15% करोगे तो 0.15 आ जाएगा, तो वो 1.15 होता है। 20% करोगे तो 0.2 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। तो इसलिए कि हम डायरेक्टली 10%, 15%, 20% को इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते हैं, कि अगर ये एक हमारा एक तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। 20% इंक्रीज को मैं 1.2 ही डायरेक्ट लिख के कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए आपका जो रेशियो होगा वो ये होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3.3। इसको करोगे तो कितना आएगा, 4.6, आई एम नॉट रॉन्ग, 4.6, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका नया इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया, और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इन द टोटल प्रॉफिट इन द सेम ऑर्डर एट द एंड ऑफ द ईयर सच दैट द शेयर इज प्रोपोर्शनल टू देयर इंडिविजुअल टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर। ठीक है, तो अब आप देखो कि इन लोगों का इनिशियल 6 महीने का इन्वेस्टमेंट ये था, उसके बाद 6 महीने का ये था, तो जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा सबके लिए टाइम बराबर है, टाइम किसी का चेंज नहीं हो रहा है। इन्होंने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट उनका ये है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो टोटल अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो कितना होगा, 6 महीने इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लोगे, इन सबका इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। सपोज अगर ये 3x, 4x और 5x समझ लो इनको, तो ये 3.3x, 4.6x और 6x हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ठीक है, तो ये टाइम और ये मनी, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई का अप्लाई कर लोगे तो टोटल आपको पैसा इन्वेस्ट पता चल जाएगा। सपोज अगर इनका देखो, तो 6 महीने का कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, 18x, 24x और 30x, ये शुरू के 6 महीने का है। बाद के 6 महीने का कितना होगा, 33 × 6, 33 × 6 इज व्हाट, दैट इज ओनली 198, मतलब 19.8x। ये कितना हो जाएगा, 44.6 × 6 इज 6 × 36, कैरी 3, 0.6, 27.6। 27.6। ठीक है,
और ये हो जाएगा 36x। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 19 और 18, 37.8, ये हो जाएगा 57.6, 37.8, और ये हो जाएगा सॉरी 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 51.6, एंड ये हो जाएगा 66, राइट। अब इसको रेशो में आपको इसको लेना पड़ेगा, आप इसको रेशो में लेने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आपको रेशो तो मैच करना ही है बेसिकली, सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। सिंपलीफाई कैसे करें, 55, 16, 66, 60, 10, 378, इसको थोड़ा सिंपल बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि ये इस तरीके से आएगा तो फिर इसको सिंपलीफाई करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वेट अ मिनट, इसको वैसे करके देखते हैं, 378/10, 516/10, 66। ये कितना हो जाएगा, 378, 516 और 660, इसको 6 से डिवाइड करके देखें, 6 6 36, 6 3 18, ठीक है। देखो क्या करो, ये 37.8 है ना, इन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक एक्चुअली आपको एक नॉर्मल नंबर मिल जाएगा, मतलब डेसिमल हट जाएंगे, तो डेसिमल हटेंगे तो क्या आ जाएगा, 378, 516 और 660, ठीक है। उसके बाद इस पूरे नंबर को ना आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 6 से डिवाइड कर लो, 6 6 36, 6 3 18, इसको करोगे 6 8 48, 6 6 36, इसको करोगे तो 110 आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर, 63, 86 और 110, तो 63:86:110। कभी भी इस तरीके का रेशियो मिले पॉइंट में तो सबसे पहले उसको डेसिमल हटा के एक नॉर्मल उसमें कर लेना, और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि ये 3 से बाकी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, बट ये 86 और 110 में थोड़ा दिक्कत आएगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये आपका आंसर भी है, डी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके सर, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 3:4:5 के रेशियो में, मंथली इन्वेस्टमेंट है तो 6 महीने के लिए किया था। नेक्स्ट 6 महीने के बाद आपने क्या किया, जो फर्स्ट वाला था उसका 10% इंक्रीज हुआ है, सेकंड वाले का 15% इंक्रीज हुआ है, थर्ड वाले का 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज हुआ है तो इन सबके तीनों के नए इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया, ठीक है। वो रेशियो आपको 6 महीने और चलाना है, तो आपने रेशो मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में लेने के लिए एक्स हमने मान रखा था कि 3x 4x 5x, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा 3.3x, 4.6x और 6x। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये मंथली इन्वेस्टमेंट था, तो 6 महीने में कितना इन्वेस्ट हुआ होगा टोटल वो हमने निकाल लिया। फिर सिमिलर तरीके से जो नेक्स्ट 6 मंथ में जो नया इन्वेस्टमेंट था उसके लिए हमने निकाल लिया टोटल, जो अब ये एक्चुअली ये मनी है, टोटल मनी आपको पता चल गए तीनों के ऐड करके, वही सेम रेशियो में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतने ही सेम रेशियो में आपका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने बस वही किया, पैसों का रेशो निकाल लिया और वही सेम रेशो हमका हमारा टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होगा। सो दैट शुड बी आंसर, ठीक है। सर अगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा है, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, ये 7 क्वेश्चन करने के बाद, और ये 8वां क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एप्टीट्यूड में नहीं आता है, ठीक है। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर सिलेबस कुछ और बोलता है, आपने कुछ और पढ़ाया है। मेरे से किसी ने एक ही दिन बोला था ग्रुप में कि आप सर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये टॉपिक बचे हुए, ये टॉपिक बचे हुए, और मैं अपना तरीके से सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा था। द रीजन इज दिस ओनली, टॉपिक्स आपके मेंशन नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, यू कैन जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट सिलेबस ओनली, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, ये
टेंथ नहीं, 11th 12th के अराउंड आता है, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा आपको, 11th में होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये मिसलिनियस टॉपिक के अंदर मैं कवर कर भी दूंगा, पर फिलहाल ये क्वेश्चन आया है तो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। हमने आप लोगों को वो पता है क्या, थोड़ा भी अगर नॉलेज हो कि लाइंस को देख के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, लाइन के इक्वेशन अगर गिवन है तो हमें पता होता है कि कितने, जैसे दो लाइन के इक्वेशन समझो बस, जैसे a1x प्लस b2y, सॉरी b1y इज इक्वल्स टू c ले लो, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 और c1 ले लो, इस तरीके से ले लो। ठीक है, ये दो इक्वेशन समझ लो बस, ये दो इक्वेशन है। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, इनका रेशियो कोएफिशिएंट्स का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि अगर इन दो लाइंस को अगर मैं ग्राफ पे कहीं प्लॉट करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट का होता है ये हमारा सॉल्यूशन होता है। इस ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेंगे ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो जब दो लाइनें जिनका a1/a2 और b1/a2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है वो आपको वन सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो लाइन पैरेलल जाएंगी या एक के ऊपर एक होकर बिल्कुल कोइंसाइड होकर निकलेंगी। ठीक है, तो अगर c1/c2 इक्वल है, ठीक है, अगर c1/c2 इक्वल है तो ये जो लाइंस हैं ये कोइंसाइडिंग करेंगी, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस वाली लाइन के लिए, यहां पे आते हैं मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। रीजन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स टच कर रही है। यहाँ पे देखो, एक बार टच कर रही थी, इसे क्रॉस कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, जो भी बोलना चाहो, तो एक सॉल्यूशन मिल रहा था। यहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे को ऊपर से बिल्कुल निकल के जा रही हैं, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। वहीं पर एक सिचुएशन होती है जहाँ पे रेशियो बराबर होता है, बट ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स c1 और c2 इनका रेशियो बराबर नहीं होता है, ये जो एक कंडीशन होती है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। ये सेम तरीके से जाएंगे बिल्कुल पैरेलल पैरेलल, बस c1 और c2 की वैल्यू का डिफरेंस होता है, इसी वजह से ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है, बस ऊपर नीचे होती है। ठीक है, सर, परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना? पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो फिर ये जो भी आपने बताया इनफाइनाइट टाइम्स टच हो रही है ये लाइंस, हाँ, तो वो भी तो पैरेलल ही है ना? देखो पैरेलल होना और कोइंसाइड करना डिफरेंस होता है सिर्फ कांस्टेंट पार्ट का। ये अगर ये कांस्टेंट पार्ट सेम है, बेसिकली अगर तुम देखो कि अगर ये रेशियो सेम आ रहा है ना, ये वाली दो इक्वेशंस देखो, लाइन 3 और लाइन 4 की, अगर जैसे इनका रेशियो आएगा 2/3 का, राइट, अगर ये 2/3 चाहिए ना मुझे, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे 4 होता 5 की जगह, लेट सपोज कि 5 की जगह 4 होता, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल ही है, ध्यान से देखोगे तो, मतलब अगर इस पूरी लाइन 3 में मैं पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये सेम अच्छा, इक्वेशन मिलेगी, अगर 5 की जगह 4 होगा तो, यस सर, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो यही चीज, मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि ये जो लाइन 4 है अगर मैं दोनों तरफ 1.5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाती, और मैं दोनों तरफ 1.5 से डिवाइड करूंगा तो फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ कर रहा हूं, तो दोनों इक्वेशन सेम हो गई। सेम हो गई मतलब जब आप एक ही लाइन को प्लॉट करोगे, चाहे 2 बार प्लॉट करो 3 बार, तो एक ही लाइन तो वही आएगी ना, सेम इक्वेशन। तो यस सर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है कांस्टेंट पार्ट का। तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, लेकिन 5 और 6 अलग है, मतलब 5 ये रेशियो सेम नहीं आएगा, ये 2/3 2/3 का रेशियो है, 4/6 और 6/9 इज बेसिकली वो 2/3 ना, तो ये दोनों तो सेम है लेकिन 5/6 वाला सेम नहीं आएगा, तो लाइन 3 एंड लाइन 4 आर पैरेलल। तो लाइन 3 और लाइन 4 देखोगे तो सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखा हुआ आई थिंक L3 एंड L4 आर पैरेलल, तो आपका ऑप्शन तो एक ही तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉरी।
अभी एक चीज और देखो, परपेंडिकुलर लाइन का भी सीख लो। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स में पढ़ाता, पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो देख लो। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कहीं सुना है, पढ़ा है, देखा है किसी ने, आप लोगों ने? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट, इक्वेशन है। हाँ, बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोल लो, लीनियर बोल लो, जो भी बोलना, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे जो एम होता है वो आपका क्या शो करता है? स्लोप स्लोप। गुड, स्लोप स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या बताता है, एंगल क्या है, ऐसा है, वैसा है, कैसा है, वो पता चलता है, ठीक है ना? तो जब आपको दो लाइंस होती हैं, जैसे कि चलो इस ऑप्शन को देखो क्या लिखा है, L4 और L2, तो पहले आपको इनको इस तरीके के फॉर्म में लेके आओ, स्लोप निकालना है आपको। तो क्या है, 6x-9y = 6, ये लाइन 4 का इक्वेशन है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 6x-6 = 9y, y = 6/9x-6/9, ठीक है? और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये जाएगा 2/3x-2/3, y = mx + c के हिसाब से ये होता है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। एल टू ई पे देखो, एल टू क्या बोलता है, 3x + 2y = 8, तो 2y = क्या हो जाएगा, -3x + 8, तो y = -3/2, x + 8/2 = 4 बेसिकली। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -3/2, यहाँ पे कितनी है, 2/3, तो 2/3 और -3/2। हमेशा याद रखना, जब दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर -1 आता है, आंसर -1 आता है, याद रखना। ये अनदर कंडीशन थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स यू -1। -1 आए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, अगर दो लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर -1 आ रहा है, दैट मींस द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सर ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए इस फॉर्म में ले आना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो मैंने बनाया है ये फॉर्म, y = mx + c वाले फॉर्म में ये ले आना। अगेन डायरेक्ट यहां से मत निकालने की कोशिश करने वाला, गलत हो जाएगा फालतू, तो सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। चलो ये करते हैं, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, इस टॉपिक को बोलते हैं सिलॉजिज्म। नहीं, ये तो कंक्लूजन वाला है, सिलॉजिज्म नहीं है ये वैसे। हाँ, सिलॉजिज्म का ही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आपको वैसे ही करना पड़ेंगे। चलिए करिए, थोड़ा जल्दी करिएगा, है ना? ऑप्शन ऑप्शन सी बोल रही हैं आप? सर ऑप्शन डी होगा सर, डी। बिकॉज बिकॉज एक तो मतलब वो जो इधर कंक्लूजन नंबर 2 है वो तो कहीं पर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, कंक्लूजन नंबर 2 इज तो व्हाट, डी। एन ऑब्जेक्ट इज अ सोप, एक हाँ, एक मैच नहीं हो रहा है। कंक्लूड नहीं कर सकते इसको बेसिकली। हाँ, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ना सर कॉन्ट्रेडिक्ट कर देगा फर्स्ट अब स्टेटमेंट को। फोर्थ ऑप्शन है ना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सो, और स्टेटमेंट में क्या दिया है कि सम सोप्स आर क्लीन और ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट, तो मतलब जो सोप्स हैं वो वेट ही रहेंगे। देखो,
क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, इसमें क्या लिखा है, सम सोप्स आर क्लीन, ये आपका हो गए सोप्स, तो कुछ सोप्स हैं जो क्लीन है, तो इस तरीके से आप क्लीन का आपका एक बन गया कि सोप्स का बन गया, ठीक है। तो सम सोप्स आर क्लीन, तो ये कुछ सोप्स होंगे जो क्लीन होंगे। देन लिखा है ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट, तो जितने भी क्लीन ऑब्जेक्ट्स हैं सब वेट है, तो वो इस तरीके से आपका ये बनता है, ठीक है, कि जो कितने भी क्लीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेट है। क्या बोला कि सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, कंक्लूजन वन ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट वाले के साथ मैच हो जाएगा ये, तो कंक्लूजन वन तो फॉलो करेगा। फिर लिखा है नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वेट जो है वो क्लीन है, और कुछ वेट जो है वो सोप्स भी हैं, सॉरी जो सॉरी सारे के सारे जो क्लीन है वो वेट कुछ है क्लीन। ना, तो नो हाँ क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सोप है ही। ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये तीनों में आएगा, वेट में भी आएगा, क्लीन में भी आएगा, सोप्स में भी आएगा, तो नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप इज, तो ये चांस ही नहीं बैठता। थर्ड क्या है, सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप बोला गया है। एक मिनट, लेकिन सर इसमें ऑल ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल वेट ऑब्जेक्ट्स सोप होंगे, क्योंकि सोप में से कुछ क्लीन थे और जितने भी क्लीन थे सारे वेट ऑब्जेक्ट्स थे। फिर ऑल कैसे होगा, ऑल ऑल मतलब वो कैसे एक होगा, जाएगा देखो सोम में। क्या लिखा, ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट, पहले का मतलब ये कि ये क्लीन है और ये सारे क्लीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे वेट है, तो ये वेट का जो सर्कल है वो ऊपर आएगा, अंदर आएगा, ऊपर होगा, और क्लीन वाला जो सर्कल है वो अंदर आएगा। इसने ये नहीं लिखा है कि जितने क्लीन है सिर्फ उतने ही वेट है, वेट और भी चीजें हो सकती हैं, यहाँ मेंशन नहीं है। ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन करने में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि दिमाग में अजम्पशन लेके मत चलना, जितना गिवन है उतना ही करना है, हमसे इसमें गलती यही होती है, हम अपने मन से अज्यूम करने लगते हैं, ये नहीं करना है। जब तक आपको यहाँ पे 100% कंक्लूजन ना मिल जाए, तब तक आप कोई सा भी ऑप्शन को नहीं चूज करेंगे। अगर आपको 50% भी चांस लगता है, तब भी वो आपका ऑप्शन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। ये जो वेट वाला पार्ट है ना, ये जितने भी क्लीन है ये वेट के अंदर आएंगे, बाकी और सोप्स जो वेट है डायरेक्टली वो कुछ बोल नहीं सकता, ये वही सोप्स वेट होंगे जो क्लीन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सोप्स वेट होंगे अलग से, इसकी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में जितना गिवन है उसी के हिसाब से आपको कंक्लूजन निकालना है। ये दो जो बेसिकली गिवन चीजें हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे ही कंक्लूजन होंगे, और अपने मन से कुछ नहीं। सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, सम वेट ऑब्जेक्ट्स मतलब ये जो सोप और क्लीन का जो एरिया है ये वेट के अंदर भी आता है, क्योंकि जो जितने भी क्लीन है वो वेट है, कुछ क्लीन जो है वो सोप है, तो कुछ सोप तो वेट होंगे ही होंगे। अग्री करते हो मेरी इस बात से? यस सर, ठीक है, तो कंक्लूजन 3 भी फॉलो होगा। देन क्या लिखा, ऑल वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, अब बताओ ऑल वेट ऑब्जेक्ट सोप हो सकते हैं? ये देखो ये वेट का सर्कल है और ये सोप का सर्कल है, क्या सारे के सारे वेट ऑब्जेक्ट सोप के अंदर आ रहे हैं? नो नहीं आ रहे हैं, ये वाला नो भी फॉलो सर, नहीं होगा, ओनली 1 एंड 3 विल फॉलो। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सिलॉजिज्म का हमेशा एक ही रूल होता है, 100% जब तक आपको नहीं मिल रहा हो तब तक आप आंसर नहीं लगाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, मुझे चार ऑप्शन में से कोई देख के, तो क्वेश्चन पढ़ के और सिर्फ देख के बता पाएगा कौन से दो ऑप्शन जो हैं ऐसे आंसर में जो हो ही नहीं सकते?
आंसर एलिमिनेट करना, सॉरी। हाँ आंसर सी एंड डी। आंसर सी एंड डी। नो दो एन बी। नहीं, दो ऑप्शन बताओ मुझे जो हो ही नहीं सकते। सर डी नहीं हो सकता डी नहीं हो सकता, ये तो और बिल्कुल बी नहीं हो सकता एग्जैक्टली, रीजन बताओ। सर। इसमें ना बोला है कि ये 5 टाइम्स मतलब जो भी डायरेक्शन बदली है वो 5 टाइम्स बदली है ठीक है, बस इतना ही और समझ रहे हो। इतने में आप दो, आपके आंसर वैसे हटा सकते हो, अब बचेंगे सिर्फ दो। अब इनको सॉल्व करो। सर ऑप्शन है नहीं ऑप्शन सी देन ऑप्शन सी। ठीक है, अरे बेसिक सी चीज है ना। देखो ये पी है, ये अभी ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके है ना, ये ईस्ट का आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, मैंने नहीं लिखा है ना, ये क्वेश्चन में गिवन था। ये पी की पोजीशन है लेट सपोज, और ये ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, ये इस तरफ फेस करके अभी खड़ा हुआ है। अब ये 72 डिग्री इसने एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब इस तरफ टर्न लिया है। 72 डिग्री 90 डिग्री से तो कम ही होता है, तो बेसिकली ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ये डायरेक्शन आपको कहाँ मिल रही है, किस क्वेश्चन में मिल रही है, देखो जरा किस ऑप्शन में मिल सर रही है। सी में मिल गया। ऑब्वियस सी बात सी में मिल है, गया। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है। दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक पहला ऑप्शन डायरेक्शन से निकल गया, बात खत्म हो गई। 5 बार इधर उधर मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा फिगर ही नहीं बनाना। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन है पी, यही बना लेते हैं कैसे करके, लाइन खत्म। 90 डिग्री है, यहाँ बना लेते तो ये 90 डिग्री होता, इससे ये तो बाहर चला गया ना इस तरफ। 72 डिग्री मतलब समवेयर इधर कहीं आ गया। सर ठीक है, यस सर। ये 2022 का पेपर था, अब हम जाएंगे 21 पे। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान। हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेद में, एजुकेटिंग वेद में, एजुकेटिंग इंडिया।